ग्वालियर शहर की हजीरा थाना पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान श्याम बाबा मंदिर के पास लाइन नंबर 1 के पास दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से एक प्रतिबंधित बोर और 9 mm की देसी पिस्टल, कारतूस, मैगजीन के बरामद हुई है। दूसरी ओर आरोपी पर 315 बोर के 8 जिंदा राउंड मिले हैं। इन बदमाशों का नाम नवजोत सिंह निवासी बिरला नगर लाइन नंबर 14 और दूसरे युवक का नाम है करण गोबिल निवासी कांचपेल। इनके कब्जे से एक एक्टिवा स्कूटी बिना नंबर की बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। थाना हजीरा अंतर्गत कल रात्रि कॉम्बिंग गश्त की जा रही थी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, जिसमें एक जगह से सूचना प्राप्त हुई लाइन नंबर 1 से कि कोई बदमाश अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं। इस सूचना पर फोर्स गया और वहां पे दो व्यक्ति भागने लगे फोर्स को देख के, जिन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया। उनके कब्जे से एक 9 mm बोर की, जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, वर्जित बोर है, उसकी पिस्टल मिली है।